11.2 का पहला पार्ट अपने पहली वीडियो में कर चुके हैं, तो दूसरा पार्ट देखो सातवें क्वेश्चन से। कि सातवां क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सातवें क्वेश्चन में कोई सम चतुर्भुज के आकार का कोई फर्श है और उसमें कितनी टाइलें आती है, 3000 टाइलें आती है। जो फर्श है वो उसकी आकृति कैसी है सम चतुर्भुज की और उसमें कितनी टाइलें आती है, 3000 आती है, और उनके जो प्रत्येक टाइल का विकिरण है ना वो इस माप के हैं, और उस पूरे फर्श पर जो कोई भी इस पर पेंट करवाना है, पॉलिश करवानी है, और उसका खर्चा क्या है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो अपने को टोटल खर्चा ज्ञात करना है। टोटल खर्चा ज्ञात करने के लिए अपने को संपूर्ण फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, देखो विकिरण की लंबाई दे रखी है एक टाइल के, तो एक टाइल का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वो के फिर क्या आएगा, 1/2 गुना विकिरणों का गुणनफल, क्योंकि इसका क्षेत्र कैसा है वो सम चतुर्भुज के आकार का। तो इससे करेंगे अपने क्या आ गया 15 45 गुना क्या हो गया 15, और 45 गुना 15, 15 × 5 = 75, और 15 × 4 ये कितना आ गया सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक टाइल का। एक टाइल का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया 675, और अपने पास टाइलों की संख्या कितनी है 3000, टाइलों की संख्या कितनी है 3000, तो 675 गुना 3000 ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास टाइलों का क्षेत्रफल। और जो खर्चा दिया है वो किस में दिया है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर में, तो अपने अब इसको किस में बदलें, प्रति वर्ग मीटर में बदलें, और प्रति वर्ग मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देना पड़ता है। अब 2 सेंटीमीटर हो गए क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिर अपने को 200 से भाग देना पड़ेगा। पहले इसको गुणा करो, 3 0 की 3 0, 3 5 15, 3 7 21, 22, और 3 6 18, ये अपने पास इतना आ गया। इसको किस में बदलना है, वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर, तो 200 से भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 से 1 कट गई, इस 0 को काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये आ गया टाइलों का क्षेत्रफल। अब अपने पास एक वर्ग मीटर में पेंट कराने का जो व्यय है वो 4 रुपये है, तो 202.5 वर्ग मीटर में पेंट करवाने का जो व्यय होगा इसको क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करोगे तो 4 5 = 20, 4 2 8 2 10, और 4 2 8 कितना आ गया 810 रुपये, कितना आ गया 810 रुपये। ये है सातवां क्वेश्चन। अब देखो आठवां क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको क्षेत्रफल दे रखा है, और जो समांतर भुजाएं हैं वो दे रखी है कि एक भुजा है यदि x मानते हैं तो दूसरी भुजा उससे क्या है दुगनी है, दूसरी भुजा उससे क्या है दुगनी है, और लंबवत जो दूरी है वो दे रखी है 100 मीटर। तो आप x का मान आसानी से निकाल सकते हो कि क्षेत्रफल के बराबर रखोगे 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, यहां से हल करके आप x का मान समय निकालोगे। इसके बाद देखो जो नौवा क्वेश्चन है, नौवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको अष्टभुज की आकृति दे रखी है, इस प्रकार की अष्टभुज की आकृति दे रखी है, और आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3, अब ये देखो ये आपके पास कितना है 11, ये 11 है, ये 5 है, और ये कितना दिया है 4 दिया है, ये दिया है आपके पास 4, ये 4 है तो ये भी कितना है 4, इनके बीच की दूरी भी कितनी है 4, और ये समलंब चतुर्भुज बन गया, एक भुजा 4 1 11 समांतर भुजाएं और बीच की दूरी ये, इसका एक का ज्ञात कर लोगे, इसका दुगुना कर दोगे तो ये दोनों का आ गया। अब ये वाली आकृति क्या बन गई, ये बन गई आयत, तो ये भी 11 है ये भी 11 है, और इसका कैसे ज्ञात कर लोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका कितना आ जाएगा 55, और इसका ज्ञात करोगे वो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग करोगे तो 11 और 4 कितने हो गए 15, और गुणा 4 तो इससे काट दोगे तो 1 का 30 आ गया, इसका भी 30, फिर इसका भी 30, 60, 60 में फिर 55 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 में 55 जोड़ोगे तो आपके पास 115 इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको नंबरिंग देके आप हल करोगे, 1 का 2 का 3 का, एक आकृति का क्षेत्रफल, दूसरी आकृति का क्षेत्रफल, तीसरी आकृति का क्षेत्रफल, देखना है कि ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है और ये वाला क्या बन रहा है आयत बन रहा है, बस आपको आकृति देख के पता चल जाएगा और उसी सूत्र से आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। इसी प्रकार 10वें और 11वें क्वेश्चन में आपको करना है।
देखो 10वें क्वेश्चन में एक ही आकृति है और उसका क्षेत्रफल आपको दो तरीके से ज्ञात करना है। पहले तरीके में तो इस भुजा को मानते हुए, इस भुजा को मानोगे तो ये वाला क्या बन गया, वर्ग बन गया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। एक का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, भुजा की स्क्वायर से। कि 15 की स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 225 मीटर स्क्वायर। अब ये वाला क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ये पूरी भुजा कितनी है, 30 है, ये आंतरिक भुजा 15 है, तो फिर आगे वाली जो भुजा होगी इसकी जो ऊंचाई होगी फिर वो भी कितनी बच जाएगी, 15 बच जाएगी। और ये वाली आकृति क्या बन गई, त्रिभुज बन गई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल आधार 15 है, ऊंचाई 15 है, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ गया। दोनों का योग करोगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा तरीका इसमें वो कह रहा है कि लंबवत तरीके से ज्ञात करो। अब लंबवत तरीके से ज्ञात करोगे तो ये पूरी भुजा, बीच वाली भुजा कितनी दे रखी है आपको, 30 दे रखी है, बीच वाली 30 दे रखी है। ये कितनी है, 15 है, ये भी कितनी है, 15 है, और ये आपके पास कितनी है, 15 है, बिल्कुल बीच में है। तो ये आधी आधी कितनी हो जाएगी, 7.5 7.5 हो जाएगी। तो इस एक का समलंब चतुर्भुज से ज्ञात करके उसका दुगना कर दोगे तो आपके पास इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे ज्ञात करोगे, 1/2 गुना भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई, और इसका वर्ग और त्रिभुज से, और इसका एक का ज्ञात करके दुगुना करके दोनों का आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन इस प्रकार हल करना है। 11वां क्वेश्चन देखो, इस प्रकार की आकृति दे रखी है और आपसे कह रहे हैं कि इन प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो पहले तो ये बाह्य भुजा कितनी है, 24, ये कितनी है, 16, अंदर वाली 16 है, बाहर वाली 24 है। तो अपने इसको घटा दें तो ये वाला क्षेत्रफल, साइड वाली जो बचगी कितनी बचगी, 8, तो 8 का आधा करेंगे तो ये भी कितनी होगी, इधर भी कितनी बचेगी, 4 बचेगी, और इधर भी कितनी बचेगी, 4 बचेगी। अब ये 4 है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाएं हैं, 4 है। तो इसका ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, 1/2 गुना 28+20 गुना 4, इस प्रकार हो गया। इसी तरह इसका ये 20 है, ये 28 है, तो ये भी 28 है, मतलब एक और दो का तो सेम ही आएगा, एक आकृति का भी और दूसरी आकृति का सेम आ गया। अब देखो बात करते हैं इसकी, ये 28 है और ये कितनी है, 20 है, 28 में से 20 घटा दिए कितने बचे, 8, 8 का आधा किया तो ये भी 4 है और ये भी कितनी है, 4 है। इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 4 है, और इस ऊपर वाले की ऊंचाई भी कितनी है, 4 है। तो अब देखो तीसरे का कैसे ज्ञात करोगे, इनकी समांतर भुजाएं क्या होगी, 24 और 16, तो क्या होगा, 1/2 गुना 24+16 गुना 4। बस सूत्र वही लग रहा है समलंब चतुर्भुज का, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी आनी चाहिए कि बाहर वाले में से अंदर वाले की भुजा घटा के उसका क्या कर दो, आधा कर दो, साइड वाली दोनों आ जाएगी, क्योंकि ये इतनी 16 है, ये पूरी 24 है, तो फिर ये दोनों का योग करके पूरी 24 फिर ही होगी ना। तो तीसरे और चौथे का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इनकी ये वाली 24 है और ये वाली 16 है। तो इस प्रकार 11वां और 10वां जो क्वेश्चन है आप समय हल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ये प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।